नमस्कार, आज हम 4 वाट एलईडी बल्ब के कंपोनेंट्स और उसका असेंबलिंग कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है फिक्स्चर है, ठीक है, ये उसका होल्डर है, ठीक है, ये इसका डिफ्यूज़र है, ठीक है। ये तीन चीज़ तो कॉमन रहेगी आपको एलईडी बल्ब बनाने के लिए, ठीक है। ये उसकी पीसीबी है, 4 वाट बल्ब की पीसीबी। ये भी मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिलेगी, ये हमारा डिज़ाइन किया हुआ है, ये हमारी पीसीबी है, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम कंपोनेंट्स माउंट करेंगे, ठीक है। जो कॉमन कंपोनेंट्स थे, ये कैपेसिटर, ठीक है, ये कैपेसिटर 47 माइक्रोफेराड 63 वोल्ट्स, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कैपेसिटर में दो लीड होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होती है। पॉजिटिव कौन सी वाली, जो बड़ी वाली लीड होती है वो पॉजिटिव हो गई, जो छोटी वाली है वो नेगेटिव हो गई। आप एक और तरीके से जान सकते हैं, यहाँ पे साइड में माइनस किया हुआ है और वो पोर्शन थोड़ा वाइट कलर, वाइटिश कलर का है, जो नेगेटिव लीड इंडिकेट करेगा, ठीक है। फिर ये है रजिस्टर, रजिस्टर में कोई पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, ठीक है। ये है 220 ओम्स का रजिस्टर, ये है एसी कैपेसिटर, ठीक है, 1 माइक्रोफेराड 450 वोल्ट्स, ठीक है। अभी ये जो छोटे से कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, ये है एसएमडी डायोड, 8 वॉट्स ने हमने लगाए थे थ्रू होल्स डायोड, और ये है एसएमडी डायोड, ठीक है। अभी डायोड है तो डायोड में पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, वो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है। तो यहाँ पे आपको एक साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे लाइंस दिख रही होगी डार्क की हुई एम के लेफ्ट में, ठीक है। तो वो पोर्शन है नेगेटिव और उसके सामने वाला है पॉजिटिव, ठीक है। ये है रजिस्टर, वहाँ पे हमने लगाए थे थ्रू होल रजिस्टर 1 मेक के, और यहाँ पे हम लगाएंगे एसएमडी कंपोनेंट 1 मेक के, ठीक है। ये थे रजिस्टर्स। ये है 47 के उसका रजिस्टर, 8 वॉट्स में हम थ्रू होल रजिस्टर लगाए थे, यहाँ पे 4 वॉट्स में हम एसएमडी रजिस्टर लगाए। तो अब हम कंपोनेंट्स माउंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पीसीबी दिख रही है, उसके अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे D1, यहाँ पे है D2, यहाँ पे है D3 और यहाँ पे है D4। तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डायोड लगाएंगे, ठीक है। अगेन डायोड में पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, तो कौन सा नेगेटिव कहाँ लगाना, पॉजिटिव कहाँ लगाना, वो भी पता चलना चाहिए, ठीक है। तो ये D1 में आपको ये जो लाइन वाला पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, वहाँ पे आप नेगेटिव लगाएंगे। D2 में यहाँ पे लाइन है तो यहाँ ये साइड पे नेगेटिव आ जाएगा। सेम थिंग D3 में यहाँ पे लाइन है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। D4 में यहाँ पे लाइन है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, उसके सामने वाले पोर्शन पे पॉजिटिव। अब हम SMD का शोल्डरिंग कैसे करेंगे, वो टेक्निक आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले D1 ले लीजिए, D1 यहाँ पे है, उसके किसी भी एक साइड शोल्डर कर दीजिए ऐसे ही, ठीक है। तो ये मेरा गया आयन, और ये मैंने शोल्डर कर दिया, ठीक है। अभी क्या करेंगे,
प्लायर से डायोड लेंगे, नेगेटिव साइड लगानी है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी लाइंस एम के लेफ्ट में, जो लाइंस दिख रही है उसको हमको नेगेटिव साइड लगाना है। तो वो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले जहाँ पे हमने शोल्डर किया है वहाँ पे आयरन को ले जाके टच कर देंगे तो वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। और वो गर्म हो गया उसके बाद डायोड को वहाँ जाके प्लेस कर देंगे, फिर उसको छोड़ देंगे तो वो शोल्डर हो जाएगा एक साइड से, ठीक है। अभी उसको हम दूसरी साइड से शोल्डर कर देंगे, ठीक है। एक साइड हो गया, ये दूसरी साइड से वापस एक बार कर देंगे, ये आपका डायोड शोल्डर हो गया। इसी तरह से हम D2 को करेंगे, D2 के किसी भी एक साइड पे हम शोल्डर कर देंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है नेगेटिव कहाँ लगाना है और पॉजिटिव कहाँ लगाना है। यहाँ पे D2 में लाइन किस तरफ है, राइट में है, यहाँ पे दिख रही है, तो उस साइड हम नेगेटिव लगाएंगे। प्लायर से पकड़िए, गरम करिए, प्लेस कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको लगे ठीक से नहीं लगा है तो फिर से उसको गरम करके ऐसे निकाल दीजिए। ठीक है, अभी हम सामने की साइड, ये हो गया साइड में, दूसरी साइड भी एक बार फिर से कर लेंगे। ये हमारे दो डायोड, फिर D3 में भी सेम थिंग, कोई भी एक साइड हम शोल्डर कर देंगे, ठीक है। उसमें नेगेटिव की साइड पे नेगेटिव को लगा देंगे, सामने की साइड जाके एक बार फिर से वहां शोल्डरिंग कर देंगे। यह हमारा D3 भी माउंट हो गया, D4 में भी कोई भी एक साइड पहले शोल्डर कर देंगे, नेगेटिव में नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है। दूसरी साइड शोल्डर कर दिया। इस तरह से हमारे चारों डायोड PCB पे माउंट हो गए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे R2 और R3 लिख रहा है, मतलब उसका मतलब यहाँ पे हम रजिस्टर लगाएंगे, ठीक है। 1 मेक के 2 रजिस्टर यहाँ पे लगाएंगे, तो इसमें भी सेम किसी भी एक साइड आप शोल्डर कर दीजिए दोनों में, ठीक है, हो गया। फिर 1 मेक के 2 रजिस्टर ले लीजिए। रजिस्टर में तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए आपको कहीं से भी वो लगा सकते हैं। ठीक है, एक साइड से हो गया, दूसरी साइड जाके
शोल्डर कर दीजिए।